हम जैसे लोग जब तक इस देश में जिंदा हैं, हम जैसे लोगों के संगठन जब तक इस देश में एक मजबूत रूप से जिंदा हैं, तो तब ये सारे नहीं होने देंगे। सरकारें सुन नहीं रही हैं आपकी बात, हर राज्य में हो रहा है, देखो प्रोफेसर के साथ हो रहा है। जिन पर लगातार दमन किया जाता है उनको कोई नहीं सुनता, उनको एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का रास्ता लेना पड़ता है। आपने सुना होगा, मैं भीम आर्मी फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपने भीम आर्मी का नाम सुना होगा अच्छे से। भीम आर्मी का जो काम है लगातार उन सड़कों पर जाकर अपने लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को बुलंद रूप से उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाना, ये हमारा एक सही रूप से जो रूप है वो दिखाता है। तो हमारा वो काम जो उधर गांव और तमाम तरह के शहरों में, वही काम अब कैंपस में है। इस कैंपस में लगातार ऐसा तो हो नहीं सकता कि संविधान चंद लोग बदल दे। इस देश में आज भी तादाद उन लोगों की ज्यादा है जो लोग संविधान को स्वीकार करते हैं। अभी पिछले साल आपने देखा नया संविधान के कुछ न्यूज़पेपर में पेपर भी छपे थे, समझ वो सारे कुछ हमने बना लिया संविधान, कुछ भी मैं तो बना लिया हो, लेकिन एक बार अप्लाई तो करके दिखाओ, तब तुमको बताएंगे कि हम लोग क्या हैं। संसद भी दूर नहीं, संसद पर भी कब्जा करने की हम हैसियत रखते हैं। आज ये भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ हमारे ही लोगों के पास जो संसद को जिन्होंने हमारे लोगों ने बनाया था, आम मजदूर मेहनतकश लोग कौन है यहाँ के, वही दलित बहुजन लोग हैं ना जो आज इस यूनिवर्सिटी को बनाते हैं। तो हमारे खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, मतलब जो हमने चीज बनाई है तुम वही हमसे छीनना चाहते हो, ऐसा तो नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कह रहे ना हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना इस बात को देखिए, तो हल्के में तो हमको भी नहीं लिया जा सकता ना। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमारी रैली वगैरह भी, हमको अगर हल्के में लेंगे तो अपना बुरा काम करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ मत भूलो दलित पैंथर को, मत भूलो बहुजन काशीराम के बहुजन आंदोलन को, मत भूलो अम्बेडकर के आंदोलन को, फूले के आंदोलन को। उस वक्त तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी, फिर भी हम आए ना यहाँ तक, आज कैंपस में अपनी आवाज उठा रहे हैं ना यहाँ के। सैंगोल भी स्थापित हो गया ना देखिए संसद में, देखो धीरे धीरे तो बहुत कुछ स्थापित हो रहा है, लेकिन उसी पैरेलल ही धीरे धीरे हमारी भी बहुत एकजुटता से लड़ाई चल रही है। तो सैंगोल को राजतंत्र की निशानी है ना देखिए, लोकतंत्र की निशानी थोड़ा ये। यही तो हम समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा इस देश की उन किताबों में, इस देश की उन संसद में, इस देश के उन कैंपस में पूरी तरह फैलाया जा रहा है। अपने लोगों से, उन स्टूडेंट से भी आग्रह करते हैं कि आओ आप लोग मुखर रूप से आओ, इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। आज प्रोफेसर रितु के बात नहीं है, आज इस कैंपस में, इस यूनिवर्सिटी में जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की बात है। हम लोग इसी तरीके से लड़ेंगे। देखो आप भले ही ये सरकार कुछ भी कर रही है, कितना अत्याचार कर रही है, लेकिन हम लोग उस गांव में जाएंगे, उन लोगों के बीच जाएंगे कि बताएंगे कि ये सरकार क्या कर रही है, हमारी नहीं है। क्योंकि एक बहुत अच्छी अत्याचार हो रहा है आप लोगों को, यही मारा जा रहा है, यही बात की एक बहुत अच्छी बात है जो लोग नहीं आ रहे इस मूवमेंट में। क्योंकि सबसे जो हमारी ताकत है वो हमारी यूनिटी की ताकत है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, ऑर्गेनाइज होने की ताकत है, हमारे पढ़े लिखे होने की ताकत है। तो उस पढ़ाई लिखाई को, उस एजुटेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को उन झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाया जाएगा, उनको मजबूत करने का काम भी किया जाएगा। उनको बताएंगे कि आप लोग अकेले नहीं हो, हम लोग आपके साथ हैं, उनकी लड़ाई में हम पूरी तरीके से शामिल होंगे। और जिस तरीके से इस देश में कहीं भी अत्याचार हो रहे, जातिवादी अत्याचार हो, एक पितृसत्ता का नंगा नाच हो, या तमाम रिलीजियस माइनॉरिटी पर अटैक हो, हम लोग मुखर रूप से बोलते रहें। अब इस तरीके से अगर देखेंगे कि संसद कुछ भी कर रहा है तो हम बोलना बंद कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। संसद भी अब तक चुप है जब तक हमारे आंदोलन तेज है। तो क्या ऐसे शिक्षकों का बोलबाला है जैसे जो मुजफ्फरनगर की जो तृप्ति है त्यागी है, उनका बोलबाला है क्या? जो देखो इस सरकार बच्चों को पिटवाती है, इस सरकार में तो ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। यहाँ की प्रोक्टर रजनी भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो इतनी दलाल प्रोफेसर है, वो भी इस तरीके की हरकत करती है लगातार। मुझे इस कैंपस से निकालने की पूरी कोशिश की गई, मुझे 3 साल से इस कैंपस में कोई अम्बेडकराइट एक दलित व्यक्ति यहाँ पे आकर बोलता है मुखर रूप से, उनको चुपती है बातें। तो ये बातें हम लगातार चुबाएंगे उनको, हमारे से 100 लोग और इकट्ठा करेंगे उन लोगों के लिए कि हम बताएंगे उनको आँख में आँख डाल के कि हम डरने वाले नहीं है। हमको भले ही तुम शिक्षा दूर कर दो, हम फिर से आएंगे अपनी ताकत में, उस शिक्षा को फिर से लेंगे और फिर से लड़ेंगे। ये पूरा जो हमारा सपना है, जो इगेलिटेरियन इक्वालिटी का जो 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 विचारधारा है, उसको स्थापित करने का एकमात्र यही रास्ता कि हम आए, संगठित होएं और उस चीज़ पर लगातार काम करें। हमारा सीधा सीधा कहना है, जिस सपने को लेकर हम चलते हैं, जिस आइडिया के प्रति हमारी ईमानदारी है, जिस आइडिया को हम फॉलो करते हैं, जब जब इस कैंपस में, जब जब इस देश के कहीं भी ऐसे अत्याचार होंगे, हम लोग इसी तरीके से मुखर रूप से उन सड़कों पर दिखेंगे। और ये मामला एक प्रोफेसर का नहीं है, ये मामला इस यूनिवर्सिटी में हो रहे स्ट्रक्चर रूप से जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के सपोर्ट में तो है, लेकिन बाकी हर व्यक्ति के साथ है जो इस जातिवाद को यहाँ झेल रहा है।
आज डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर रहे डीआरसी की, उनके सपोर्ट में हम यहाँ आए। वो लगातार डीआरसी के में हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बताते हैं यहाँ के प्रिंसिपल, उस कॉलेज के प्रिंसिपल कितनी जातिवाद मानसिकता है, किस तरीके से यहाँ के एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को, आदिवासियों को, मुसलमान को एक एक जो शिक्षा है, जो सबसे प्राइमरी शिक्षा है, उससे दूर करने की जो पूरी साजिश है, उस साजिश को हम तोड़ना चाहते हैं। उस साजिश के खिलाफ हम यहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है जो प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज के, इनके ऊपर FIR हो गई है, इनकी गिरफ्तारी नहीं और इनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा, लेकिन रतनलाल को क्या उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया। अब वही देखिएगा किस तरीके से ये जातिवाद और ब्राह्मणवाद एक स्ट्रक्चर रूप में काम कर रहा है कि एक तरफ अगर एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार अपनी उस चीज पे, उन मुद्दों पे एक अपनी कमेंट करता है कि ऐसा लग रहा है तो उसको अरेस्ट करा लिया, दूसरी तरफ एक प्रिंसिपल के खिलाफ SC ST एक्ट एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज है, उसके खिलाफ उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसको किस तरीके से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार बचाने में पूरी अपने रिसोर्सेज लगा रही है। लेकिन हम भी कहेंगे कि तुम लोग पार्लियामेंट में शामिल करो, हम सड़कों पर इससे दुगनी तादाद में शामिल होंगे, ऐसे ऐसे प्रोफेसर, ऐसे ऐसे जो ये प्रिंसिपल जातिवादी मानसिकता वाले प्रिंसिपल हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन जो, उनको बाहर करने काम करेंगे हम। जिस संविधान की आप लोग दुआई देते हैं हमेशा, जिसके लिए आप लड़ते हैं, उस संविधान को बदलने की बात हो रही है, और प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं। एग्जैक्टली, देखो बातें तो बहुत कुछ हो रही हैं, वो लगातार इस देश में हो भी रहा है। वो ये लोग जो इनका सपना है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का, जिस सपने को लेकर ये बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि इस देश को बचाने में अगर कोई विचारधारा है, वो इंडिपेंडेंट अम्बेडकर राइट पॉलिटिक्स है। इस देश के हर कोने में जब जब इस देश पे ऐसी आचाई है तो यहाँ के अम्बेडकरवादी लोग, यहाँ के अम्बेडकर राइट संगठन, यहाँ के वो उस विचारधारा जो समता मूलक समाज की जो विचारधारा है उसको जो आगे फॉलो करते हैं, वो लोगों ने इस देश को बचाया आ गया। अच्छा, गाड़ियों पे देखा होगा दिल्ली में हिंदू लिखवा रहे हैं, इनके कुछ चमचे ही लिखवा रहे हैं अपनी गाड़ियों के पीछे चमचे। हाँ, बस जो धर्म को ढोए फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब संविधान ने इस खड़ी व्यवस्था को लिटा दिया तो अगर ये बहुजन जाग गया तो हमारा यहाँ से बाहरी का रास्ता खुला है, तो इसीलिए ये अब हिंदू मुस्लिम का इतना बुरा कार्ड खेलेंगे ना। ट्रेन में देखा आपने, आप मानते कि 2024 से पहले की रणनीति चल रही थी? अभी तो कहते हैं कि झरो वो है, झाकी है। अच्छा, अभी तो पूरा ड्रामा बाकी है, पूरा बाकी है, अभी तो देखते जाओ इस देश में होने क्या वाला है 2024 से। लोग सुरक्षित रहेंगे? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। नकली धर्म के ठेकेदार बनोगे, मोनू यादव, बिट्टू पांचाल, अरुण सैनी धर्म के ठेकेदार बने, आज जगह जगह छिपते फिर रहे हैं, कोई बजरंग दल उसके साथ नहीं लड़ा। तो जो सबसे पहले धर्म का ठेकेदार फिर रहा है, सबसे पहले वही पिटेगा। ये मुझे भी इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटी धर्म का जो बीड़ा उठाना बंद कर दे, अपने और शिक्षित रहो, रोजगार करो, आर्थिक संपन्नता लाओ और बेकार के दंगों में मत पड़ो, इसी में आपका बचाव है। अच्छा, जो प्रिंसिपल है दौलत राम कॉलेज की डॉक्टर सविता रॉय, उनके ऊपर तो लग गए तमाम चार्जेस हो चुके हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? मनुवाद है, उसके ऊपर मनुवाद बचाने वाले बैठे हैं। अच्छा, जब ब्रजभूषण को इतनी धाराएं लगी हुई हैं, 6 बार सांसद बन रहा है, 6 बार सांसद बन रहा है, टिकट मिल रही है, और डॉक्टर रतनलाल को कहते हैं जी आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती क्योंकि एक FIR सिंपल सी हो गई है। ठीक है, तो जातिवाद मनुवाद हावी है, इसको बचाने के लिए तो इसके बैठे हुए ना ऊपर। अभी आप कह रहे हैं कि जातिवाद मनुवाद हावी है, तो क्या लग रहा है क्या जितने भी बहुजन समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या उन जो हावी हो रखे हैं उनके ऊपर डटकर मुकाबला कर पाएगा? बहुजन का अगर असली में कोई शेर खड़ा होता है तो मनुवादियों की जड़ें डगमगा जाती है। अच्छा, बाबा साहब खड़े हुए डगमगा गए, ज्योतिबा फूले खड़े हुए गुलामगिरी लिख दी, किसान का कोड़ा लिख दिया, कुछ कर पाए? तो एक असली बहुजन अम्बेडकरवादी फूलेवादी पैदा हो गया, उस दिन ये यहाँ से भारी है। अब तो इतनी नौबत आ चुकी है।